हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि मिश्रा है। आज हम इस टॉपर सीरीज़ में चौथा लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। और हम उनसे फिर से वही मैं दोहराना चाहूँगी कि हमारा अप्रोच क्या होगा, कि हम टेस्ट सीरीज़ का कैसे सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन या उसको यूज़ कर सकें, और क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए जा सके। ठीक है, हम शुरू करेंगे। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो विषाणु विज्ञान संस्थान, पहली बात तो ये क्वेश्चन क्यों आया? तो ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि हमने अभी देखा कि कोविड जो है या कोरोना जो है वायरस, उसने बहुत हैवक देश में मचाया या उत्पात बहुत ज़्यादा मचाया, जिसमें बहुत सारी लाइव्स खो दी हमने। तो उस समय क्या हुआ कि जीनोम सीक्वेंसिंग या जो भी हमें कोरोना के अलग अलग रूपों को चेक करने के लिए या जो भी उसमें डेवलपमेंट्स हो रहे थे वो देखने के लिए हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या फिर राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने बहुत मदद की है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन आया। अब ये उस वक्त न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमें पता है कि ये पुणे में है। ठीक है, ऑल्सो ये आपके क्वेश्चन पेपर या आपके सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है कि इस तरह की संस्थाएं आपको पढ़नी है। तो कुछ जो न्यूज़ में रहती, बहुत सारी संस्थाएं इसलिए सब नहीं पढ़ सकते, पर कुछ जो न्यूज़ में है वो पढ़ेंगे। प्लस इससे हम आगे और क्या सीख सकते हैं कि ये जो संस्था थी ये 1952 में मेरे ख्याल से इस्टेब्लिश की गई थी, और इसका जो मेन काम है वो यही है कि वो क्या करेगा, वायरस के ऊपर या विषाणुओं के ऊपर तरह तरह के जांच या फिर जो भी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां होंगी उसमें भी सहायता करेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आम की नीलम एवं अल्फोंसो मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? देखो, अब यहाँ पे मैं समझती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मुश्किल होते हैं, नहीं बनते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली पढ़े भी नहीं जा सकते ना, कितना पढ़ोगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो क्या कर सकते हो कि एक दशहरी अपने को पता है, एक बादाम अपने को पता है ना, ये हम अपन यूजुअली देखते रहते हैं, है ना, ये यूजुअली मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है। तो इतना तो हमें पता है कि इन दोनों के बारे में तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो दो अगर मैं ऑप्शंस एलिमिनेट कर भी देती हूँ तो भी मेरे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, एक है आम्रपाली और एक है रत्ना। तो इन क्वेश्चंस के लिए मैं बोलूँगी कि इनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आधी क्वेश्चन ऐसा आता है जो ट्रिक क्वेश्चन है, और ये आप इनको मतलब अगर इसको पढ़ने चलोगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे, है ना। तो इनको क्वेश्चंस के थ्रू ही तैयार करो। अब जब दो है यहाँ पे तो अपना आंसर जो है यहाँ पे रत्ना है, पर हाँ जो प्रीवियस ईयर्स आए हैं उनसे रिलेटेड ज़रूर। अब जैसे यहाँ पे अगर चार किस्म के आम दिए हुए हैं तो इनके बारे में ऑप्शंस के थ्रू या फिर प्रीवियस ईयर्स के थ्रू ज़रूर पढ़ लो एक बार, है ना। इतना ही करना है, ज़्यादा इन पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आम्रपाली जो है वो उन्होंने दिया है दशहरी, और नीलम का क्रॉस होता है। ठीक है, तो अपने को दो यहाँ पे पता चल गए हैं, एक है आम्रपाली जो है ये दशहरी और नीलम का क्रॉस होता है, और रत्ना जो है वो नीलम और अल्फोंसो का क्रॉस होता है। ठीक है, पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस तरह के क्वेश्चंस पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं 25 सितंबर से, है ना, अमोघ बैच हमने नाम दिया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई आसान की जा सके। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो और नया तरह का अप्रोच सीख सको तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, किस संगठन ने व्योम मित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? देखो, अब यहाँ पे मैंने कहा था कि कई बार हमें क्या होता है कि जो प्रश्न दिया है या जो शब्द दिया है उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कैसे डिकोड करोगे? देखो, व्योम का मतलब होता है आकाश। ठीक, हम सब इतना जानते हैं क्योंकि हमें हिंदी भी पढ़नी होती है ना अपने क्वेश्चन पेपर के लिए। व्योम का मतलब होता है आकाश। तो अब इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि ये एक रोबोट है जो आकाश से रिलेटेड या तो किसी संस्था ने लॉन्च किया हो या आकाश या स्पेस से रिलेटेड ये क्या होगा, रोबोट खुद होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, TIFR हटा दूँ। TIFR क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, है ना।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शायद 48 या कुछ आसपास बहुत पुराना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि इम्पॉर्टेंट है किस लिए, कैंसर रिसर्च में, है ना, बहुत सारी कैंसर दवाइयाँ इस तरह की चीज़ों के रिसर्च में TIFR ने बहुत योगदान दिया है। ठीक है, TIFR हटा दो, फिर क्या है, CDAC हटा दो। CDAC तो हम लोग सब पढ़ते हैं, हमें पता है कि ये सुपर कंप्यूटर्स और इस तरह के चीज़ें करता है। ठीक, CDAC पुणे हटा दूँ, बचे क्या मेरे इसरो और DRDO, ये दोनों कुछ बना सकते हैं आकाश से रिलेटेड या स्पेस से रिलेटेड, है ना। तो अब ये अपने को पता होना चाहिए कि व्योममित्र जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि व्योममित्र जो है वो ह्यूमनॉइड रोबोट है या सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड यानी क्या, जो इंसान जैसा दिखता हो, है ना, इंसान जैसी कुछ गतिविधियाँ हो उसमें। ठीक है, ह्यूमनॉइड रोबोट है या सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो कि किसने डेवलप किया है, किसने बनाया है, इसरो ने बनाया है। ठीक है, ये का क्यों, अभी जो हम गगनयान लॉन्च करने वाले हैं उसमें साथ में जाने के लिए। ठीक है, तो इसरो का है ये। ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ पर यही लिखा है, 22 जनवरी को बैंगलोर में इसरो और IAA, है ना, इन लोगों ने क्या किया है, डेवलप किया अर्ध मानवीय महिला रोबोट है ये। ठीक है, ठीक, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। देखो अब इस तरह के क्वेश्चंस ना, अगर आप वो क्या कहते हैं लूसेंट उठाओगे ना, तो लूसेंट में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिंपल छोटे छोटे फैक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लूसेंट देखोगे उसमें आपको ये लिखा हुआ डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, अब दो तरह की तंत्रिकाएँ होती हैं या नर्व्स होती हैं जिनको हम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो नर्व्स, अगर हिंदी में बोले तो तंत्रिका। ठीक है, दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक होती है क्रेनियल, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कपाल। ठीक है, और दूसरी तरह की जो होती है वो होती है स्पाइनल। ठीक, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, रीढ़ की हड्डी वाली। ठीक है, तो ये दो तरह की नर्व्स जो है वो पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या सीखा, अगर हमें प्रीवियस ईयर से ये पता चल जाता है कि क्रेनियल नर्व्स जो है वो कितनी है, तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि स्पाइनल नर्व्स कितनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से हमें यही सीखना है कि हमें कौन सा फैक्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर आज क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम स्पाइनल से आ जाए, या नहीं भी आए तो हो सकता है कहीं और किसी और रिलेटेड टर्म में आ जाए वो, है ना। तो प्रीवियस ईयर से यही सीखना है अपने को। ठीक, ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स कितनी है और स्पाइनल नर्व्स कितनी है। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स की मेरे ख्याल से 12 जोड़ियाँ मिलती हैं, है ना, स्पाइनल की शायद 31 है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं अपन, देखो क्रेनियल या कपाल तंत्रिकाएँ और दूसरी स्पाइनल तंत्रिकाएँ हैं। ठीक है, क्रेनियल जो है ये मस्तिष्क से निकलती है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो ये क्रेनियल तंत्रिकाएँ जो है वो मस्तिष्क से निकलती हैं, इनके 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो अपने पास कौन सी है, स्पाइनल तंत्रिकाएँ या स्पाइनल नर्व्स जिनको बोला जाता है, इसकी कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। ठीक है, इसके इससे अब आपको ये भी समझ में आना है कि आपको, मतलब जब आप ये पढ़ो और आपको ऐसा लगे कि ये मुझे नहीं बनता है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है कि आपको जो ह्यूमन के अंदर जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं, है ना, चाहे आपका पाचन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो आपको आनी है। ठीक है, वो आपको पढ़ना है, वो आपकी यूनिट में दिया है अलग से। तो अगर ये नहीं बनता है तो अपने को क्या करना है, जो अपना पार्ट है जो डील करता है ब्रेन से, है ना, उसमें अपने को ANS CNS सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो वो एक बार ऊपर ऊपर से एटलीस्ट देख लो, लूसेंट से भी देख लोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह के फैक्ट्स तो तुम देखोगे तुम्हें डायरेक्टली लूसेंट में लिखे हुए दिख जाते हैं। ठीक है, और उसमें जो पिंक बॉक्सेस रहते हैं ना वो नहीं छोड़ना, है ना, उसमें से कई सारी चीज़ें बन जाती हैं। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। देखो फूड प्रोसेसिंग का वो है अपने को, है ना, खाद्य प्रसंस्करण का टॉपिक है अपने को, उसमें से है ये। क्यों है ये क्वेश्चन, तुम्हें याद होगा कि थोड़े टाइम पहले मैगी के ऊपर एक वो आया था, है ना, कि मैगी सेफ नहीं है, उसमें लेड मिलता है, है ना। तो वो लेड जो है वो किस में मिलता था, वो इसी में मिलता था, MSG में मिलता था, इसको MSG बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ऐसा कहा गया, मैगी के ऊपर आरोप लगाया गया कि मैगी जो है वो MSG, नेस्ले जो है वो MSG यूज़ करता है, जिसकी वजह से मैगी का एक अलग टेस्ट है, है ना, मैगी का जो अलग सा टेस्ट है उसके मैगी मसाले में, वो MSG की वजह से है। ठीक है, पर MSG जो है उसमें लेड पाया जाता है। ठीक है, इस तरह के आरोप लगे मैगी के ऊपर या नेस्ले के ऊपर। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये
बना अपना, ठीक है? मतलब क्या है, आपको न्यूज़ को फॉलो करना है, आपके टॉपिक्स या आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उस पर आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो पहली बात तो यहाँ से अपने को ये पता चलता है कि MSG का फुल फॉर्म क्या है, तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, ठीक है? दूसरा, अब देखो जब भी अपन बात करें कि खाद्य प्रसंस्करण की बात करें, तो जब कुछ नहीं समझ आए ना, तो इतना तो कर ही देना कि वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। प्रेजर्वेटिव यानी क्या? खाने को लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए, ख़राब ना होने देने के लिए यूज़ करते हैं, है ना? दूसरे प्रेजर्वेटिव भी देख लेना एक बार, जैसे कई विनेगर कई जगह यूज़ करते हैं ना, अचार वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें देख लिया करो, ठीक? तो ये जो है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सुरक्षित रखने में, है ना, ये टिक कर दो। जब नहीं, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, नहीं समझ आ रहा है कि किस चीज़ के लिए कोई चीज़ यूज़ हो रही है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है? या तो पॉल्यूशन चेक करने के लिए, या उसको सेफ रखने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ या उसका जो जीवन काल है वो बढ़ाने के लिए, वो ख़राब ना हो जल्दी, ठीक है? ये है। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने क्या बोला कि मैगी के ऊपर ऐसा आरोप लगा था कि उसका जो टेस्ट है, उसका जो टेस्ट है वो किसकी वजह से है, अपना MSG की वजह से है ना, मोनोसोडियम ग्लूटामेट की वजह से। तो यहाँ पे दो आंसर्स PSC ने सही माने, एक स्वाद बढ़ाने के लिए, दूसरा क्या है, अपना सुरक्षित रखने में, ठीक है? अब इसके लिए एक काम और करोगे कि सर्च करोगे फूड प्रोसेसिंग पे MCQs, ठीक है? MCQs ऑन फूड प्रोसेसिंग गूगल पे सर्च करोगे, उस पर ना कुछ 20 questions मिलेंगे, ठीक है? उनको सॉल्व करोगे, ठीक है? उनको देखो, उनमें ना तुम्हें मिलेगा कि कम से कम 2 से 3 questions तुम्हें ऐसे दिखेंगे कि पूछे जा चुके हैं दूसरी जगहों पे, ठीक है? तो इस तरह का काम एग्ज़ाम के बाद, ऐसे टॉपिक्स जिनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं सॉल्व किए हो, नहीं मिल रहे हो, उसको एक बार ऐसा ट्राई कर लिया करो, है ना? क्योंकि ये छोटे टॉपिक्स हैं, कम क्वेश्चन से आप ईजिली गो थ्रू कर, सेल थ्रू कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया। चलो, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? देखो, कोविड फिर से आ गया, कोरोना है ना, इस टाइम पे क्वेश्चंस है कोरोना के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से भी, वो भी यहीं से आया, कोरोना भी आया। अब कोरोना में बहुत सारे लोगों ने सिर्फ COVID-19 लगाया, ठीक, पर हमें क्या पता होना चाहिए कि कोरोना जो है ये सिर्फ एक वायरस नहीं है, ठीक, एक विषाणु नहीं है, ये क्या है, ये फैमिली ऑफ वायरस है, ठीक, पूरा परिवार है जिसको कहूँ मैं, ठीक, एक परिवार है जिसका, जैसे सरनेम होता है ना, जैसे मेरा सरनेम मिश्रा है, तो मेरे क्यों है, क्योंकि मेरी फैमिली का सरनेम मिश्रा है, ठीक है? ये ऐसा ही है कि कोरोना है ये, ठीक है? कोरोना क्या है, फैमिली का नाम है कोरोना, इसमें बहुत सारे वायरस आ सकते हैं, ठीक है? इसको अपन ने अलग से नाम दिया COVID-19, ठीक है? इसके अलावा जो इसमें, इस टाइप के, इस फैमिली में जो दूसरे पहले इन्फेक्शन आए, इंडिया में नहीं थे इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है, पर ये जो डिस्कशंस थे, ये क्या है, बेसिकली अपना अफ्रीका मिडल ईस्ट है ना, इधर इन्फेक्शन ज़्यादा थे उस टाइम। पर क्या है, जब अपन जब कोविड की बात करते हैं, तो उस समय भी ये बहुत डिस्कशन चला था कि कोविड के पहले भी SARS और MERS जो है वो आ चुके हैं। अब यहाँ से क्या पता करना है अपने को, MERS का फुल फॉर्म क्या है, SARS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? देखोगे इनके आखिरी में RS जो लगा हुआ है ना, वो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ठीक है? यानी आपको समझ में आ रहा है, रेस्पिरेशन से या लंग्स से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है, D है, उपरोक्त सभी, ठीक है? ये है सबका जो वो है, सर्दी जुकाम है ना, सबका जो सिम्टम है वो यही है, ठीक। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा आवृत्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी या EMF पे भी, जितनी भी रेज है वो आपको सब याद होनी चाहिए, ठीक है? देखो, इसकी एक ट्रिक है, मैंने कहीं इसे देखी थी मेंस की तैयारी करते टाइम, गाड़ी XUV इन माई रेंज, ठीक है? गाड़ी XUV इन माई रेंज यानी क्या, ये है गामा, ठीक, ये है एक्सरे, ये है UV यानी अल्ट्रावायलेट, ठीक, जिससे सन से कैंसर होता है, V से विजिबल, IN से इंफ्रारेड, ठीक, माय से माइक्रोवेव, और R से रेडियो, ठीक, हो गई सारी, ठीक। ये ट्रिक है इसको लर्न करने की। अब यहाँ से तुम्हें क्या है, इससे तुम्हें एक वो रहेगा कि
अब इसमें ना तुम्हें देखना क्या है, एनर्जी कहाँ से कहाँ जाते हुए बढ़ती है और कहाँ से कहाँ जाते हुए घटती है, ठीक, इधर से उधर जाते हुए बढ़ती है या घटती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ जाते हुए बढ़ती है, कहाँ से कहाँ जाते हुए घटती है, ठीक, और वो कितनी है। अबाउट टू भी याद रखोगे ना तो भी इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक। इसका आंसर मेरे ख्याल से 1 GHz से 300 GHz है ना, एक बार इसको देख लेना। पर इस तरह के कोशिश किया करो कि जो चीज़ें नहीं याद रहती उनके या तो निमोनिक्स बना लो, है ना, या उसके पीछे कोई स्टोरी बना लो, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या होती है, लंबे समय के लिए याद रह जाती हैं, ठीक है, ठीक ठीक। सी है इसका आंसर, है ना, ये दे करके रखा हुआ है। अगला, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि जब भी हम एक रूल पढ़ते हैं, एलेंस रूल, है ना, एलेंस 10% रूल कहते हैं इसको, इसमें क्या होता है, मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे एनर्जी है ना, मान लो पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना, तो उन्होंने क्या किया, सूरज से डायरेक्टली एनर्जी ली, है ना, उनके पास सूरज से सीधे एनर्जी, पहला जो प्राणी है जो रिसीव करेगा, उसको सिंथेसाइज करेगा, संश्लेषण करेगा उसका, वो कौन है, वो पौधा है। यानी ये तो समझ में आ गया कि उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। अब मान लो ये पौधा कोई हर्बीवोर है ना, कोई जो अपना जो सिर्फ पेड़ पौधे खाता है, ऐसा कोई जानवर खाएगा, है ना, मान लो डियर कोई खा लेता है, ठीक है। अब वो जब खाएगा उसको, तो उसके पास जितनी उस पेड़ से डायरेक्टली उस सोर्स से एनर्जी है, उससे तो कम एनर्जी जाएगी, है ना, उसके पास जो अपना क्या बोलते हैं ऊर्जा जाएगी, है ना, दूसरे लेवल पर जो ऊर्जा जाएगी वो नीचे वाले से कम जाएगी, क्योंकि पहले वाले को तो सीधा मिला, है ना। अब इसने जितनी एनर्जी ली होगी वो इसने कुछ यूज़ की होगी, है ना, थोड़ा बहुत उसने कुछ यूज़ किया होगा सांस लेने में, कुछ और अपने काम करने में। अब इसको किसी और ने, अगले लेवल वाले ने खाया, तो उसके पास तो थोड़ी सी तो कम एनर्जी गई ना। यानी ये हमें समझ आ रहा है कि एनर्जी जो है वो हमेशा क्या होगा, ऊपर के लेवल्स पे कम होती जाएगी, ठीक है। तो पिरामिड का मतलब ही यही होता है, जैसे देखो ये पिरामिड है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक, यहाँ एनर्जी सबसे कम है, है ना। इस चीज़ को कई लोग जो हैं वो वेजिटेरियन होने का एक वो भी देते हैं कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ जाते जाते एनर्जी कम हो जाती है। कोई एक्सेप्टेबल फैक्ट नहीं है ये, है ना, पर लोग, ठीक है, थियोरीज हैं, लोग देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये है एक, है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसके अलावा अब देखो जब ये क्वेश्चन आ गया है ना, तो इसमें अपने दो तरह के पिरामिड्स और होते हैं, ठीक है, एक बायो मास का होता है, एक नंबर का होता है, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक, क्योंकि वो सीधे भी हो सकते हैं और वो उल्टे भी हो सकते हैं। अब जब वो सीधे और उल्टे हो सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ सीधे होंगे। इनके पता सिर्फ एक एक एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप वो पढ़ लेते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस भी रहता है, और दूसरा ये आ जाता है इस तरह के क्वेश्चन, तो ईजिली आप एलिमिनेट कर सकते हैं ना। तो वो कहाँ सीधे रहते हैं और कहाँ उल्टे रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप देखोगे, ठीक है, इसीलिए अपन प्रीवियस ईयर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ये तो समझ में आ गया कि ऊर्जा जो है वो हमेशा सीधी होगी, ठीक, ऊर्जा कभी भी उल्टा पिरामिड नहीं बनेगा, ठीक। तो ये तो हो गया हमेशा सीधा, ठीक, बाकी दोनों पिरामिड्स देखना एक बार, ठीक, उनके एग्जाम्पल देखना, और नहीं समझ आए तो बताना, फिर अपन उनको भी डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं। देखो मेरा खुद का बायोलॉजी बहुत अच्छा नहीं है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, है ना, और मैं, मुझे हमेशा से बायोलॉजी से बहुत डर लगता है, तो मैं खुद सिर्फ जो टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना कि जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उस तरह के टॉपिक्स ही पढ़ती हूँ, है ना। तो जैसे ये हार्मोन वाला जो है ना, ये पढ़ो, क्यों पढ़ो, क्योंकि तुम्हें ये सिर्फ अभी काम नहीं आएगा, मेंस में भी काम आएगा। हम लोगों के टाइम मेंस में ये क्वेश्चन आ गया था, मतलब ये क्वेश्चन 11 नंबर वाले में आया था शायद, 19 वाली मेंस में आया था मेरे ख्याल से, या 20 वाली में आया, याद नहीं है मुझे, पर दोनों में से किसी एक मेंस में है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें है अपने को कि उसमें क्या हुआ, 11 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एक आया था इसमें, है ना, और मैंने क्या किया था, सिर्फ एग्ज़ाम में जाने से पहले सिर्फ एक बार देख लिया था उसको कि कम से कम नाम नाम लिख के आ जाऊँ। अब उसका और वाला मुझे आता है, 19 की एग्ज़ाम थी शायद, उसका और वाला आता नहीं था मुझे, और वही लिखा मैंने। तो इसलिए इस तरह के टॉपिक्स मत छोड़ो, मुझे पता है ये बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं रहता हो तो समझ भी बहुत कम आते हैं, पर छोड़ो मत, है ना, एटलीस्ट एक बार देखो उनको, कोशिश करो समझने की, ठीक है। तो देखो इसका मेरे ख्याल से
लैडिंग है फिर भी देख लेते हैं, ठीक है, सेल्स ऑफ लैडिंग है ना, ठीक। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? ठीक है, अफीम और दवा, ठीक है। देखो, जब अफीम और इस तरह के जो यू प्रोडक्ट्स होते हैं वो कब यूज़ किए जाते हैं, जैसे जिन लोगों को डिप्रेशन वगैरह रहता है ना, स्लीप डिसऑर्डर रहता है, सो नहीं पाते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं ना, ओवर थिंकिंग रहती है, एंग्जाइटी होती है जिन लोगों को, उनके लिए इसको यूजुअली इस तरह की दवाई, ओपियॉइड्स कहते हैं इनको, है ना, क्योंकि ओपियम से बने हैं इसलिए ओपियॉइड्स, ठीक है। तो क्या होता है, तब ये यूज़ की जाती हैं, है ना। तो इसलिए अब जब हमें पता है कि अवसाद या डिप्रेशन या एंग्जाइटी में यूज़ की जा रही है एंटी डिप्रेसेंट, तो ये क्या होगी, अवसादकारी होगी, ठीक है, उत्तेजक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं तो वो क्यों की जाती हैं, आपके नर्वस सिस्टम को सप्रेस करने के लिए की जाती हैं ना, आपके नर्वस सिस्टम को स्लो करने के लिए की जाती हैं, ठीक है। तो ये वही है, अवसादकारी है ये, ठीक है, ठीक। अफीम अवसादकारी या डिप्रेसेंट श्रेणी में आता है ना। अगला देखिए, कौन सा प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? अच्छा क्वेश्चन है ये, पिछले भी क्लास में अपन ने 3-4 डिजीजेज डिस्कस की थी, है ना, तो इस तरह की जो नाम वाले डिजीजेज हैं वो अपने को देखनी है, ठीक है। तो नॉकनी सिंड्रोम, देखो नॉक नी, यहाँ पे नी का मतलब है घुटना, ठीक है। नॉकनी सिंड्रोम कैसा होता है, ऐसे लेग्स जो रहते हैं ना वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, काइफोसिस और पता नहीं क्या वो डिजीज़ भी होती हैं, वो एक बार मैं देख के बता दूंगी, बाकी नॉकनी सिंड्रोम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, पिछली बार अपन ने डिस्कस किया था मर्करी से अपन ने क्या देखा था, मीना माटा डिजीज़ होती है, क्यों होती है, जापान का एक शहर है, ठीक है। आर्सेनिक से भी अपन ने देखा था, है ना, पानी में जियोजेनिक रहता है, यानी धरती से खुद प्रोड्यूस होता है आर्सेनिक, ठीक है, उससे क्या देखा था अपन ने, ब्लैक फुट डिजीज़ देखी थी, ठीक है। कैडमियम से अपन ने देखा था, इटाई होती है, ठीक, हटा दूँ तीनों से नहीं पढ़ा था अपन ने, क्या बचा, फ्लोराइड। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर फ्लोराइड जो है वो हड्डियों को परेशान कर रहा है, मतलब वो दांतों को भी परेशान करेगा, ठीक है। क्यों? हड्डियों और दांतों का जो वो रहता है मेन पार्ट रहता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस रहता है, ठीक है। तो अगर वो हड्डियों को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो दांतों को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या होता है, धार जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कुछ एरियाज़ में ना फ्लोरोसिस का दिक्कत है। फ्लोरोसिस क्यों? पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा आता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, बच्चों के जो दांत रहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्लोरोसिस भी एक दिक्कत है जो फ्लोराइड की वजह से होता है, दांतों को अफेक्ट करता है, और दूसरा है हड्डियों को अफेक्ट करने वाला नॉकनी सिंड्रोम, ठीक है। ये हो गया अपने पास, ठीक। एक ही पौधे के पुष्प के पराग कोश से पराग कण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। देखो अब ये क्या है, यहाँ पे अपने को पॉलिनेशन या परागण की बात कर रहे हैं अपन, है ना। पॉलिनेशन कैसे हो सकता है, दो तरह से हो सकता है, एक स्व परागण हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, खुद से पॉलिनेट हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या समझो, सेल्फ है ना, खुद हूँ मैं, ठीक। तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब जब तुम सेल्फ पॉलिनेशन की भी बात करोगे ना, तो उसमें भी दो तरह के होते हैं, ठीक। एक होता है ऑटोगैमी, अब इसका हिंदी मुझे नहीं आता है ना, एक बार देख लेना, ऑटोगैमी, और दूसरा होता है जिनोटोगैमी, ठीक है ना। ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑटोगैमी यानी क्या, एक ही पौधा है, उसका एक ही फूल है, इसी में मेल पार्ट भी है, इसी में फीमेल पार्ट भी है, ठीक। अभी मैंने क्या बोला, सेल्फ पॉलिनेशन में हम सिर्फ एक ही पौधे की बात करेंगे, यानी ये दोनों होंगे तो एक ही पौधे में। ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ही पौधा है, एक ही फूल है, उसी में सब कुछ है, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, एंथर भी है ना, स्टिग्मा भी है ना, और वहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा या परागण हो जाएगा। जिनोटोगैमी में क्या होता है, एक पौधा है, उसमें दो अलग अलग फूल हैं, इससे पॉलिनेशन इसमें हो जाएगा। पौधा एक ही है पर फूल अलग अलग हैं, ठीक है। ये सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, ठीक। पर परागण से हमें समझ में आ रहा है, एक और कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, ठीक, एक और कोई नया कैरेक्टर है,
तो उसमें क्या होगा, दो अलग अलग पौधे होंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ होगा परागण, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके टाइप्स जो हैं वो सिर्फ बायोटिक और एबायोटिक होते हैं, यानी किसके थ्रू हो रहा है ये परागण, ठीक है। अगर जीवित फैक्टर्स के थ्रू हो रहा है ये परागण तो वो बायोटिक है, अजीवित से हो रहा है तो वो एबायोटिक। अजीवित से मेरा क्या मतलब है, पानी हो गया, हवा हो गया, है ना, और जीवित से मेरा क्या अर्थ है, जैसे मधुमक्खियाँ हो गई, है ना, चिड़िया हो गई, ठीक है, तो वो एबायोटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अपने पास, ये सजात पुष्पी परागण, ठीक। क्यों, क्या बोल रहा है ये, एक पुष्प के पराग कोष से उसी पौधे के दूसरे पुष्प की, यानी इसकी बात कर रहा है, सेम पौधे के दूसरे पुष्प की, ठीक है। तो ये सजात हो गया, ठीक, सजात पुष्पी परागण, है ना, अपन पर समझ चुके हैं सारे, ठीक। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, मैंने पिछली बार भी बोला था डाइजेशन पढ़ोगे, है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एक बार रेस्पिरेशन छोड़ भी देते हो कोई बात नहीं, डाइजेशन के जो पांचों हिस्से आते हैं असिमिलेशन से लेकर के एक्सक्रीशन तक, वो सारे पढ़ोगे ना, उसको नहीं छोड़ना है अपने को किसी भी हालत में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी डाइजेशन या पाचन शुरू होता है ना, उसमें तीन चीज़ें हमें देखनी होती है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट या वसा आपका, और तीसरा होता है आपका प्रोटीन, है ना। प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में टूटेगा, फैट जो है वो आपका फैटी है ना, ट्राइग्लिसराइड्स, और आपने पढ़े होंगे आजकल तो कार्बोहाइड्रेट, वो कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो ट्राइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है, वो यही है पूरा। फिर कार्बोहाइड्रेट्स यानी आपकी शुगर, ठीक है, शुगर का जो डाइजेशन है या कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो आपके मुँह में शुरू हो जाता है, ठीक है, आपकी बक्कल कैविटी में, आपके मुँह में, आपके सलाइवा के थ्रू उसका पाचन शुरू हो जाता है ना, उसमें अमाइलेज और टाइलेज इस तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये एंजाइम्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पूरा जब आप ये पढ़ोगे ना तो उसमें आपको बहुत सारे तरह के एंजाइम्स मिलेंगे, अमाइलेज, टाइलेज, नीचे जाओगे पेप्सिन, है ना, ट्रिप्सिन, है ना, इस तरह के, तो ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और कौन कहाँ काम करता है, कहाँ होता है, ये देखना है, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जो पाचन है वो मुँह में ही या मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। बाकी सभी का पाचन जो है वो ख़त्म कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन ख़त्म होता है, ठीक है। और पानी का अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में होता है, ठीक है, ओके। अब आप ये देखोगे कि प्रोटीन और वसा, है ना, प्रोटीन और फैट्स जो रहते हैं उनका पाचन कहाँ से शुरू होता है, ठीक, स्टमक, प्रोटीन जो है वो स्टमक से शुरू होता है ना, वहाँ पे ट्रिप्सिन रहता है अपने पास, आप देखोगे कि वो एल्कलाइन मीडियम में काम करता है कि एसिडिक मीडियम में काम करता है, वहाँ पे दो रहते हैं क्योंकि पेट में HCl भी रहता है ना, यानी एसिडिक हो गया वो, तो ठीक है, तो उसको देखना, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से कोशिश करोगे, इस तरह से पढ़ो, इस तरह से पढ़ो कि वो पेपर में काम आए, ठीक है। चलो, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, ये तो हमें सबको पता है, अभी डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, है ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई भी बोलते हैं जिनको, अभी इन्हीं के नाम पे हमने अपना चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 विक्रम रोवर नाम रखा है ना, विक्रम जो है वो इनके ही नाम पर है। तो इनके बारे में और दो चार लाइन, पाँच लाइन पढ़ लेना, एज इन अगर 3 नंबर में आता है तो लिखो उसको, ठीक है। और दूसरा, अगर 3 नंबर में क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसमें ये ज़रूर मेंशन करना कि प्रज्ञान और विक्रम जो अपने लैंडर और रोवर हैं चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में, वो इनके नाम पे रखे गए हैं, ठीक। इससे क्या दिखता है कि आपको करंट का भी नॉलेज है और आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इनके बारे में 3-4 लाइन, 5 लाइन ऑलरेडी कर लेना, ठीक है। पढ़ोगे, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं वैसे, है ना, इवन टेक्सटाइल वगैरह में भी बहुत काम किए हैं, तो आप देखोगे उसको, ठीक है, ठीक है, ओके, है ना। आज इतने क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए, एज एन इनमें कोई दिक्कत होती है मुझे नेक्स्ट टाइम बता देना, है ना, और क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, अगर कोई अप्रोच में इशू होगा तो अपन देखेंगे, ओके, थैंक यू।